और सेना में भर्ती की नई योजना के विरोध में प्रदर्शनकारी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक सुबह से ही संग्राम हो रहा है। बिहार के समस्तीपुर में प्रदर्शनकारियों ने जम्मू तवी एक्सप्रेस में आग लगा दी। इधर लखीसराय में विक्रमशिला एक्सप्रेस की 2 बोगियों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने बेतिया, बक्सर, बेगूसराय, हाजीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताया है। इधर यूपी के बलिया में भी सुबह से ही खूब बवाल हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और तोड़फोड़ की। इधर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। योजना को लेकर जहां सड़कों पर छात्र नजर आ रहे हैं तो सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा, तस्वीरें आपको दिखा रहा है। ये 10 तस्वीरें अलग अलग जगह की और किस तरह से प्रदर्शन यहां पर लगातार जारी है। हिंसक तस्वीरें सामने आई है, आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई है। तो शहर शहर प्रदर्शन लगातार जारी है, अग्निपथ पर आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें 5 राज्यों में आक्रोश भड़का हुआ है। पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई है। ये अलग अलग शहर मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यूपी, तमाम ऐसे राज्य जहां पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हरियाणा, दिल्ली, बंगाल में भी तस्वीरें सामने आई है। देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें सामने आई जहां पर अग्निपथ योजना का विरोध युवा कर रहे हैं। इधर बिहार के दानापुर में ट्रेन में आग लगा दी गई। सासाराम में टोल प्लाजा में आगजनी की तस्वीर सामने आई है। ये अलग अलग तस्वीरें देश भर के अलग अलग हिस्सों से सामने आई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बिहार के दानापुर में ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। ट्रेन की बोगियां जलकर राख हो गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। बिहार के दानापुर में भी ट्रेन में आग लगा दी गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ट्रेन धू धू कर जल रही है। युवाओं ने इसे आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है अग्निपथ योजना का, और उसके नजर रेलवे ट्रैक पर पथराव और उसके अलावा खड़ी हुई ट्रेन में आग लगा दी गई। ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया। करोड़ों का नुकसान, लाखों का नुकसान यहां पर सरकार को हो रहा है। सरकारी संपत्तियों का नुकसान अलग अलग शहरों में देखने को मिल रहा है। तो सासाराम में टोल प्लाजा में आग लगाई गई है, गया है। ठीक है, अब क्या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, अब ये काम करने की स्थिति में नहीं है, पूरी तरह से डैमेज है। किसी भी इंजन के कैब में आग लगाने के बाद वो काम करने की स्थिति में नहीं होता है। पूरा कंट्रोल पैनल जला दिया गया है। और उधर के इंजन सब सुरक्षित, उधर एक को हमने सुरक्षित बचा लिया, पर अभी उसका देखना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रिक इंजन था, फराक्का एक्सप्रेस के बोगी में आग लगाई गई है और उसके साथ लगे हुए इंजन को हमने बचाने की कोशिश की, लगभग वो बचा हुआ है। बोगियों में आग लगी है बहुत वहां पे कार्यकर्ता, और उसके बगल में एक लोकल ट्रेन थी, शायद पटना आ रहा थी, नहीं पटना आ रहा थी वो, उसमें भी कोशिश की गई आग लगाने की, उसमें भी तहस नहस, हाँ तहस नहस है पूरा, बहुत बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई गई है। ये देश के सेना की तहस नहस करने वाली योजना है, देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली योजना है और भारत के नौजवानों की जिंदगी और भविष्य की हत्या करने वाली योजना है। 3 साल से बच्चे तैयारी कर रहे थे, इनकी छाती सिकुड़ रही है, कलेजा सूख रहा है, उम्र बढ़ रहे हैं, एज एक्सपायर हो रहा है और सरकार कह रही है कि मात्र 4 साल के लिए बहाली करेंगे ठीका पट्टा पर। और इसलिए इस योजना को सरकार, भारत सरकार होश में आए और अविलंब वापस ले। हम लोग सिर्फ 4 साल के लिए आर्मी में क्यों जाएं? हम लोग को तैयारी करने में लगभग 3 साल लगता है, तो हम 3 साल तैयारी करें उसके बाद सिर्फ 4 साल हम जॉब करें एनसीसी करने में, उसके बाद हम बाहर निकले तो कुछ नहीं है। एनसीसी कैडेट है, जो सी होल्डर है, जो लड़का 4 साल 5 साल से मेहनत करके सीसी होल्डर प्राप्त किया है, उसका उम्र 23 साल हो गया है और टीओडी के तहत हम लोग को 17.5 से 21 हुआ किया गया है। हम फिजिकल निकाल कर अभी तक परीक्षा नहीं हुआ, नहीं होगा तो इतना मेहनत से हम दौड़ निकाले हैं, कैसे होगा? कोई दिक्कत नहीं है, बीच में भर्ती हुआ था, फिजिकल हुआ था, मेडिकल हुआ है, अभी तक रिटर्न नहीं आया है और हम लोग का वैकेंसी कैंसिल कर दिया गया है, बोलिए हम लोग क्या करें? केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला, यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है, इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी।
और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं।